जी स्टूडेंट्स, एज पर बच्चे लास्ट क्लास हमारी डिस्कशन चल रही थी रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ योर हैंड रिच लॉ एंड बिसाइड्स दैट वी वर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेपर प्रेशर। अब जब हम किसी भी सॉल्यूशन को बच्चे हम लोग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं तो हाउ डू वी कंपेयर इट, क्योंकि डेफिनेशन तो उसके बच्चे थ्योरेटिकल है, एंड हाउ डू वी कंपेयर इट, वो लिक्विड बच्चे वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा शो करेगा जिसके मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी ज़्यादा होगी वेपर्स में चेंज होने की, राइट? एंड फॉर दिस थिंग इट हैज़ टू ब्रेक अप इट्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, सो अ लिक्विड विद अ वीकर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। नंबर टू, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इज बाउंड टू इंक्रीज। क्यों? हम जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दैट विल प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, more amount of thermal energy. So getting that more amount of thermal energy, intermolecular forces will be broken more easily. Aur jo molecule temporarily liquid se se bahar niklega, it will have sufficient amount of kinetic energy to escape liquid state permanently. Right? Jab hum koi bhi impurity add up karenge bache solvent mein, vapor pressure will decrease. Kyun? Aisa karne se solvent molecules, liquid molecules now will be more strongly attracted. So as they'll be more strongly attracted, so their ability to change to vapors will decrease. And finally, which our point tha, pressure of surroundings. Agar hum surrounding ka pressure increase karenge, to whatever liquid molecule will be escaping liquid state, it has to overcome large number of resistive forces above the surface of liquid. So more of its energy will be wasted, dissipated. So agar main surrounding ka pressure increase karunga, लिक्विड की एबिलिटी वेपर्स में कन्वर्ट होने की कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम यहां से बच्चे आगे चलते हैं फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट। दिस टॉपिक इज बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम बच्चे किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर करते हैं ना मैथमेटिकली, वी हैव टू मेक यूज ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब ये बच्चे कॉन्सेप्ट है क्या, हम बच्चे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके देखते हैं, हमें जो भी मैथमेटिकल आउटकम आएगा हमारे पास, यू विल रियलाइज That is actually a statement of Raoult's law, right? Hari bache, let's begin with. Ab maan lijiye bache, in this container, I had taken liquid A, and that's another container, I have taken liquid B, right? Liquid A ke bache molecules ye hain with a pink ink. I'm showing. Keeping them shaded, right? Or liquid B ke molecules hain, I'm showing the blue ink. Again, showing them shaded. Right? Hari uchi. This is pure A, and this is pure B. Koi mixing nahi hai, koi kuch nahi hai. ठीक है? ये बच्चे मैंने सिर्फ आपको सरफेस मॉलिक्यूल्स शो किए हैं, मैंने आपको बल्क में मॉलिक्यूल्स शो नहीं किए, क्योंकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में ट्रांसफर होगा वो सिर्फ सरफेस से होगा, बल्क से नहीं होगा। ठीक है? अरे उठे, अब मान लीजिए बच्चे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए 100 यूनिट्स, बार बार बच्चे हमें वेपर प्रेशर लेबल करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर की एक मैथमेटिकल कन्वेंशन है, प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय सुपरस्क्रिप्ट 0 and pressure of component B similarly super zero. मान लीजिए से this is बच्चे 120 units, मैं approximate value लेकर चल रहा हूँ। अब मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इन दोनों solutions को mix करके एक solution बनाया बच्चे, I have made one solution. अब मैं इस solution बच्चे एक basic assumption लेकर चल रहा हूँ, ये बच्चे
मैंने बच्चे लिक्विड ए और लिक्विड बी मैंने मिक्स किए एंड टू फॉर्म दिस फाइनल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बच्चे मेरी अजम्पशंस हैं दो, मेरी नहीं इनफैक्ट राउल्ट्स लॉ की, मुझे आपके बुक्स के हिसाब से। अजम्पशन नंबर एक, वॉट एवर अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वॉट एवर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड ए, ए ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो भी संख्या बचे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बी बी में, जब हम इन्हें मिक्स करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ए एंड बी की स्ट्रेंथ इज सेम एज एक्सपेक्टेड, राइट। ये उतने ही लाइक सी बचे, ये ए उसी फोर्स से अट्रैक्टेड बी से जिस फोर्स से ए से अट्रैक्टेड था, बी उसी फोर्स से अट्रैक्टर ए से जैसे वो दूसरे बी मॉलिक्यूल से अट्रैक्टर था, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ कंपेरेबल स्ट्रेंथ इवन आफ्टर मिक्सिंग, नंबर एक। अजम्पशन नंबर दो बच्चे, हमारा जो सॉल्यूशन है इट इज ट्रू सॉल्यूशन। जी आदित्य बोले बच्चे प्लीज। और अगर फोर्सेस इक्वल हैं तो वेपर प्रेशर भी इक्वल नहीं होना चाहिए था इन दोनों का? इसमें बच्चे आई एम सेइंग कि ए, मैंने ये नहीं कहा बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैंने ये नहीं कहा बच्चे, मैंने ये कहा कि मिक्सिंग के बाद वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट होने चाहिए थे दे हैव एब्सोल्युटली सेम स्ट्रेंथ, ये इक्वल नहीं है बच्चे। इस प्योर ए में मान लीजिए बच्चे, मैंने इसको कंपैरिजन वाइज बच्चे मैं ऐसे पिक कर रहा हूं, लेट्स अज्यूम दिस इज बेंजीन, ठीक है बच्चे, एंड दिस इज ऑलमोस्ट सेम क्लास टॉलवी, ये बेंजीन बच्चे और ये है टॉलवी, दोनों की क्लास सेम होनी चाहिए, दिस इज एरोमेटिक दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, तो उनमें मिनिमम डिफरेंस है बच्चे। ए बी की स्ट्रिंग आइडेंटिकल नहीं है, कंपेरेबल है बच्चे, बच्चे तो मिक्सिंग के बाद भी इनकी वही स्ट्रेंथ है एज एक्सपेक्टेड बच्चे, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। ये है बच्चे हमारा वेसल क्लोज्ड, ये भी बच्चे सारे, ये ऑल दीज आर क्लोज्ड वेसल्स। आदित्य आपने बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा था। नाउ सॉल्यूशन मेरा बच्चे होमोजेनियस है, मैं सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स को लेकर इंटरेस्टेड हूं, मेरे पास सरफेस पे एक पिंक मॉलिक्यूल और तीन ब्लू मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट पूरी कॉम्पोजिशन ऐसे ही डिस्पर्स्ड होगी, राइट। नाउ आई नीड टू नो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हाउ मच इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय मॉलिक्यूल ए, ए मींस विद अ पिंक कलर, एंड हाउ मच इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय मॉलिक्यूल बी, मुझे ये कैलकुलेट करने में चाहिए, राइट। नाउ ऑल ऑफ यू बच्चे आई थिंक यू पीपल विल बी कन्विंस्ड, सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, बल्क वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस में कन्वर्ट नहीं होते, है ना, सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल बच्चे। सरफेस पे चार मॉलिक्यूल, सरफेस पे चार मॉलिक्यूल, सरफेस पे चार मॉलिक्यूल्स, तो मैंने वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की हुई है। फोर मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस हैव एग्जर्टेड प्रेशर इक्वल्स 100 यूनिट्स, तो एक मॉलिक्यूल सरफेस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा बच्चे, इट विल बी 1/4 ऑफ 100 बच्चे, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड बी बच्चे, अगर मैं लिक्विड बी के बच्चे बात करता हूं, फोर मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस हैज एग्जर्टेड प्रेशर इक्वल्स 120 यूनिट्स, तो एक मॉलिक्यूल बच्चे कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, 1/4 ऑफ 120, और तीन मॉलिक्यूल्स सरफेस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, 3/4 ऑफ 120। तो इफ आई कंटिन्यू दिस कैलकुलेशन, यहां पे बच्चे मुझे प्रेशर ए का मिल रहा है 1/4 ऑफ 100, या मुझे प्रेशर बी का मिल रहा है 3/4 ऑफ 120, राइट। हाँ जी, क्यों, ऑनली सरफेस मॉलिक्यूल्स विल बी एक्टिव। तो अगर मुझे बच्चे एक सॉल्यूशन में जो ट्रू सॉल्यूशन है जो होमोजेनियस मिक्सिंग से बना है, इन दो कंडीशंस के हिसाब से अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर कैलकुलेट करना हो इंडिविजुअली, वो सॉल्यूशन में कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, मुझे ये बेसिक मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बच्चे रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन ली है सरफेस पे, यही कॉम्पोजिशन पूरे लिक्विड मेंटेन, दैट वे इट इज होमोजेनियस। नाउ अब एक चीज बच्चे ध्यान से देखो केयरफुली, सरफेस पे टोटल चार मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, जिनमें से तीन मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड बी के, एक मॉलिक्यूल लिक्विड ए का,
तो क्या ये बच्चे रेशो, कांट वी रिलेट दिस रेशो विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए? पूरे सॉल्यूशन में भी तो ये डिस्पर्स्ड होगा बच्चे। अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, चार मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, 4 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर, ये बन गया 4 मोल। अगर मैं इसको बच्चे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 मोल। अगर मैं इनको बच्चे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस इज 1 इनटू एवोगाड्रो नंबर, दिस इज 1 मोल, दिस इज 3 मोल। तो व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए? इट इज 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 3, इट इज 1 बाय 4। तो क्या मैं इसको मोल फ्रैक्शन से रिलेट नहीं कर सकता, या कर सकता हूं बच्चे? पहले इस चीज पे सोचो। नहीं जी बच्चे बोलिए बेटा, अध्ययन बोलिए बेटा प्लीज। स्टूडेंट्स, मेरा कोई वॉइस लैग तो नहीं है बच्चे? सर। ओके ओके बच्चे। सिमिलरली बच्चे, क्या मैं इसको मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी से रिलेट नहीं कर सकता बच्चे? सोचो जरा। अजी गुड समीप बोलिए बच्चे। सर, जो आपने वहाँ पे 100 लिया है प्रेशर ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, सर वो तो प्रेशर उन सब वेपर्स का ना जो इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है, एंड वो 4 थोड़ी ना होंगे, वो तो उससे ज़्यादा ही होंगे। बच्चे यूनिफॉर्मली के लिए मैं सरफेस पे सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स प्रज्यूम किए, किस 4 मॉलिक्यूल्स का बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, राइट? तो जो सरफेस एरिया मेरे पास यहाँ पर है बच्चे, मैंने वही सरफेस एरिया यहाँ पर मेंटेन किया है, मैंने वही सरफेस एरिया यहाँ पर मेंटेन किया, तो मैं इस समय यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बच्चे बात करूँ क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो भी वेपर बनेगा, क्या वो बल्क का लिक्विड मॉलिक्यूल, कैन इट बी चेंज टू वेपर? आप ये चेक करो, क्या ये पॉसिबल है बच्चे? नो सर, सर बट पहले जब 4 मॉलिक्यूल्स ऑन दी सरफेस वो वेपर में चेंज हो जाएंगे, तो अब इसमें अगले फोर भी फाइनली कितने दो? इक्विलिब्रियम स्टेज अज्यूम करिए, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम के बिना नहीं आता। तो जब फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, नंबर ऑफ वेपर्स विल बी फिक्स, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसे, एंड सर वो वेपर्स 4 मॉलिक्यूल्स की होंगे फिर? वो जस्ट मैंने अज्यूम किया बच्चे, वो जो भी वेपर होंगे वो सरफेस मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। यस सर, इज इट प्रोपोर्शनल सरफेस मॉलिक्यूल्स? यस सर, तो मैं वो सरफेस मॉलिक्यूल बच्चे प्रज्यूम करके चल रहा हूं, तो मैं उस हिसाब से इसको मैं मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए, इसको मैं मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी से रिलेट कर सकता हूं। ये है बच्चे तरीका इनके प्रेशर्स को कैलकुलेट करने का। और सी बच्चे हमारे यहाँ पे राउट्स लॉ बच्चे क्या सेट करते हैं? अब राउट्स लॉ बच्चे आपकी बुक्स में ना बच्चे ये फिनोमेना इस वे में एक्सप्लेन नहीं है, वो स्टडी में राउट्स लॉ बच्चे पिक करते हैं। राउट्स लॉ बच्चे क्या स्कोर करते हैं कि जब भी हम कोई ट्रूथ सॉल्यूशन बनाएंगे विद होमोजेनियस मिक्सिंग, उस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो हम भी ऑलमोस्ट वही कैलकुलेशन बच्चे जनरेट कर रहे हैं। तो जो राउल्ट्स लॉ आप क्रैम अप करके कोट करोगे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोसीड इट मैथमेटिकल, राइट? ये बच्चे व्यू है आपके राउल्ट्स लॉ का। एक बार इसकी स्टेटमेंट हम नोट कर लेते हैं, फिर मैं इस पेज पे वापस आता हूँ बच्चे। राइट, पहले बच्चे एक बार एडअप कर लो प्रोडक्ट, देखिए बच्चे। सो आपने बच्चे अभी सिर्फ हेडिंग ये कोट करनी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेपर प्रेशर ब्रैकेट्स में राउल्ट्स लॉ। अभी ये कुछ भी ड्रॉ मत करना बच्चे, ये हेडिंग सेट कर ली बच्चे आप सबने, पढ़ो देखिए बच्चे। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन सरफेस मॉलिक्यूल, दैट ऑन सरफेस मॉलिक्यूल्स escape liquid state to form vapors, comma, hence pressure exerted by any component in true solution
obtained by homogeneous mixing. Mixing is directly proportional to number of molecules on surface. ये बच्चे एड अप करो, इसे एड अप करने के बाद फिर हम यहां पे ये बच्चे ये तीन डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे बच्चे। पहले आप ये कॉपी करो बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कॉम्पोनेंट इन ट्रू सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनस मिक्सिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। बच्चे आप ठीक है बच्चे? यस सर। जी बच्चे, जी सुन, आप सबने मुझे कॉपी कर ली यहाँ तक? कॉपी। ओके बच्चे, अब एक काम करो बच्चे, यहाँ पर ये तीन डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशंस यहाँ पे बच्चे ऐड अप करो, एक ये बच्चे, दो और ये तीन। बिल्कुल बच्चे, अगर आपके पास पेन है विद अ डिफरेंट इंक वो पीस बच्चे लेके चलना। सरफेस पे चार मॉलिक्यूल्स लिक्विड ए के, मान लीजिए प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं 100 यूनिट्स। चार मॉलिक्यूल्स बी के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं 120 यूनिट। मैंने इनकी मिक्सिंग की, एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग से मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। इसमें भी बच्चे सॉल्यूशन में भी स्टूडेंट्स जस्ट में बच्चे, अरे स्टूडेंट्स आप लोगों को देखना बच्चे पापी शिज़ो ऑन कैमरा होंगे। Yes, चलो तो मैं आपको अभी दिखा दूं, दो पहले एक बार बच्चे ये लॉ कंप्लीट कर ले बच्चे, ठीक है? चलो देखिए बच्चे, राउल्ट्स लॉ, चलो अब ये बच्चे लॉ क्या कोट करता है देखिए बच्चे, एट गिवन टेम्परेचर कॉपर पार्शियल प्रेशर partial pressure of component is equal to product of mole fraction of component and vapor pressure of component in pure state। अब जो आपने बच्चे लिखा है इसका मतलब क्या है बच्चे? सी, मैंने एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया बच्चे, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया ट्रू सॉल्यूशन बाय होमोजेनियस मिक्सिंग। इसमें बस दो लिक्विड्स है बच्चे, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ये दो बच्चे मैंने मिक्स किए, जिसमें वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का है बच्चे पी ए नॉट एंड वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी का है बच्चे पी बी नॉट। ठीक है, आई हैव टेकन एन वन मोल्स ऑफ लिक्विड ए एंड एन टू मोल्स ऑफ लिक्विड बी, ये लिए बच्चे मैंने, ये मिक्स की राइट। अब ए एंड बी ने बच्चे मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाया, तो इस क्लोज सिस्टम में जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा बच्चे, that will be pressure because of component A and pressure because of component B, ये दोनों मिलकर ही बच्चे pressure exert करेंगे। इन दोनों components ने collectively इतना pressure exert किया, right? मान लीजिए उस total pressure में से how much was contribution because of component A, that will be called its partial pressure। तो उस total pressure में how much is contribution because of component B, that will be called its partial pressure। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से बच्चे, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए का कैलकुलेट करना है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन बच्चे ए की बनेगी क्या, एन वन मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इनटू पी ए नॉट। सिमिलरली बच्चे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी बच्चे ये बनेगा मोल फ्रैक्शन बी एन टू
by n1 plus n2 into vapor pressure of B in pure state. तो अगर मुझे बच्चे जैसे कि मैंने सॉल्यूशन बनाया है बच्चे ट्रू सॉल्यूशन विद होमोजेनियस मिक्सिंग, ठीक है बच्चे, तो यहां पे बच्चे जो टोटल प्रेशर बनेगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बाय एडिंग अ प्रेशर ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स. ये है बच्चे हमारा राउल्ट्स लॉ. और जल्दी बच्चे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे, वेरी इजी गोइंग सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. तो जो बच्चे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे मैं डिस्कशन कर रहा था, आई एम जस्ट मूविंग टू बैक पेज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. तो इट माइट बी क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन माइंड ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चे, पर जैसे मैं उसको इस आपके बुक की स्टेटमेंट के हिसाब से प्रेजेंट करता हूँ ना, शायद ये उतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा. तो इट विल बी क्वाइट सिंपल टू लुक ऑन टू. आई थिंक आप में से बच्चे हर स्टूडेंट इजी मोल फ्रैक्शन मैनेज कर सकते हैं. तो आप इसे इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं बच्चे. तो दैट वाज अ स्टेटमेंट बाय नेम एज अ राउल्ट्स लॉ. जल्दी बच्चे इसे बच्चे नोट कर लो, कॉपी कर, फिर हम लोग यहां से चलते हैं आगे. जी स्टूडेंट्स, अब आपको बच्चे मैं इस पे एक न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चे. सी राइट ऑफ, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 राइट ऑफ. अ सॉल्यूशन is obtained by mixing 1 mole of benzene and 2 moles of toluene. If vapor pressure of pure benzene and pure toluene are 120 torr and 90 torr respectively, comma, calculate partial pressure of benzene and toluene. Second part, total pressure of solution. बच्चे ध्यान रखना, हमारी बिल्कुल बेसिक अजम्पशन है कि जो भी सॉल्यूशन बन रहा है इट इज इसमें वो दोनों अजम्पशन हमारी बच्चे वैलिड है. इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म बाय होमोजेनियस मिक्सिंग, नंबर एक. अजम्पशन नंबर दो, मिक्सिंग के बाद बेंजीन और टॉलुइन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ वही है जो पहले थी बच्चे प्योर कंपोनेंट्स में. आदित्य भारत, क्लियर बच्चे अबाउट दिस अजम्पशन? यस सर. जल्दी बच्चे करिए स्टार्ट. कुशांगी, कुशांगी गुड बच्चे, गुड गुड गुड. Students, is there anybody who's experiencing voice lag? Kisi ko voice lag feel ho raha bache? Ya clear hai? Students, anybody bache? No sir. Okay bache. No sir. Okay bache. Rachit, aapka answer aa gaya bache iska? Kya abhi nahi? Sir, kar raha abhi. Okay bache. Okay beta. Anmol, any doubt bache in this? Anmol Natarajan? No sir. ओके बच्चे चल. अरे बच्चे मोल्स ऑफ बेंजीन बेटा इक्वल्स 1, मोल्स ऑफ टॉलुइन दैट इज 2, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 120 टॉर बच्चे एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन as 90 torr. Students, एक मिनट बच्चे, ये आपको इस चैप्टर में जबरदस्त फ्रीडम है बच्चे. पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट इज मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. ध्यान से देखो बच्चे, इस एक्सप्रेशन में कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट है बच्चे?
डू यू सी एनी स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट विद अ फिक्स्ड वैल्यू? नो सर, नहीं है, कोई नहीं है बच्चे, है ना बच्चे? मोल फ्रैक्शन तो वैसे ही यूनिट्स नहीं होते. तो जिस भी यूनिट में टोटल प्रेशर है, जिस भी यूनिट में बच्चे प्रेशर है प्योर कॉम्पोनेंट का, उसी यूनिट में प्रेशर आएगा पार्शियल कॉम्पोनेंट का. कन्विंस्ड? तो आपको इन न्यूमेरिकल्स में इतनी जबरदस्त फ्रीडम होगी कि आपको प्रेशर को कन्वर्जन फैक्टर्स पे यूज नहीं करना पड़ेगा. अब यहां पे बच्चे मेरे पास यूनिट है टॉर. कुछ स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं टॉर का कन्वर्जन फैक्टर क्या था. बच्चे कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू कन्वर्ट बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट, राइट? ये इन सारे न्यूमेरिकल्स में चीज वैलिड रहेगी बच्चे. बट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन बच्चे, 760 टॉर इज 1 atmosphere. तो एक वे बच्चे मैं जनरल कोट करूं, तो लेट्स स्टार्ट. पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू वेपर प्रेशर बेंजीन इन प्योर स्टेट. मेरे पास बच्चे नंबर मोल्स ऑफ बेंजीन है 1, टॉल्यूम के मोल्स हैं 2 इनटू 120. तो इट्स 1/3 इनटू 120, दैट बिकम्स 40 टॉर. सिमिलरली बच्चे पार्शियल प्रेशर टॉर भी, इट्स मोल फ्रैक्शन विल बी 2/3 इनटू 90, इट विल बी 60 टॉर. तो व्हाट विल बच्चे टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज इट कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स, प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूम. तो इट्स 40 प्लस 60, दैट इज 100 टॉर. ज्योतिर में क्या ये बच्चे मैनेज हो गया था बच्चे ये, या प्रॉब्लम आई बच्चे कुछ? जी ज्योतिर भाई, सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सर, मैं यूनिट से जगह से थ्रू थोड़ा हो गया था सर. ओके ओके, अदरवाइज क्लियर है बच्चे? हां जी. ओके बच्चे, जी बच्चे, जी गुरसमीत बोले बच्चे प्लीज. सर आप वो अजम्पशंस रिपीट कर दो एक बार. जी बच्चे मैं यहां पे बच्चे लिख देता हूं. ये बच्चे हमारी अजम्पशंस इन न्यूमेरिकल्स को क्रैक करने के लिए. नंबर 1, सॉल्यूशन इज ट्रू formed by homogeneous mixing. Homogeneous mixing. And assumption number 2, bache, strength of intermolecular force after mixing is nearly same as strength of intermolecular force in pure components. In other words, we are assuming ideal solution. Ajay Gursum, clear with you? Yes, sir. Let's take a copy call, then we'll go ahead with you. जी बच्चे आर्यन बोले बच्चे प्लीज. अजम्पशंस नोट कर दूं 2 मिनट. जी बच्चे मैं हां जी स्टूडेंट्स, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे ये बच्चे क्वेश्चन मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पढ़ो ठीक है बेटा. एन आइडियल सॉल्यूशन obtained by mixing liquid A and liquid B has vapor pressure. So ye bache has a vapor pressure 50 torr. Full stop. If solution contains two moles of liquid A, comma, how many moles of liquid B
must be present in solution. Given that vapor pressure of pure A, 80 torr, and vapor pressure of pure B, which is 20 torr. जल्दी बच्चे, ये वो वन मिनट टाइम, इसे जल्दी बच्चे ट्राई कर लीजिए एक बार. जी सुन, आयोडन बच्चे हम ट्राई करें बेटा. चलिए, अब मेरे पास बच्चे हमें एक सॉल्यूशन गिवन है, आइडियल सॉल्यूशन विच इज ऑपरेटेड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स ए एंड बी, राइट. और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चे हमें गिवन है 50 टॉर. इसमें 2 मोल्स लिक्विड ए है, मुझे मोल्स ऑफ लिक्विड बी बच्चे कैलकुलेट करने हैं. तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट. जी गुड सर, एक बार बच्चे हम ट्राई कर देख लेते बच्चे. प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट बच्चे, ठीक बच्चे. तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चे मेरे पास है 50 यूनिट्स. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बच्चे मेरे पास ए के हैं 2 मोल्स, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ लिक्विड बी, मुझे बच्चे कैलकुलेट करने हैं, राइट. इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए बच्चे, ये हमें गिवन है 80 टॉर. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बच्चे 2 इंट एन बी इंटू, ये बच्चे हमारे पास 20 टॉर. एल से बच्चे 2 प्लस एन बी हो जाएगा इसका, तो 50 इंटू 2 प्लस एन बी इक्वल्स 160 प्लस 20 एन बी, 100 प्लस 50 एन बी इक्वल्स 160 प्लस 20 एन बी बच्चे, ये सॉल्व कर दीजिए बच्चे. 30 एन बी इक्वल्स 60 एन बी विल बी इक्वल्स टू, जो तेर में मैनेज हो गया था बच्चा कि इसमें भी प्रॉब्लम आई थी बच्चे, ये होगा. चल दैट्स ग्रेट, गुड बच्चे, चेंज कर दो बच्चे. चलिए पढ़ो, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. जी पढ़ो, देखिए बच्चे, टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन at 300 Kelvin. Hold stop. The vapor pressure of such solution containing 1 mole X and 3 moles Y is 550 torr. Full stop. On further addition, of 1 mole Y to same solution, comma, vapor pressure has become 560 torr. What are Px naught and Py naught? Chaldi bache, start. Ji, is case mein bache. Ab aapke us bache jaise solution hai. मैंने बच्चे इसमें दो जाऊंगी होस्टल ट्रैंक बच्चे, वो चेक कर लो. मैंने इसमें मिक्स किया 1 मोल एक्स एंड 3 मोल्स वाई एंड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस फाउंड टू बी 550 टॉर. जैसे मैं इसमें बच्चे 1 मोल वाई फर्दर एड अप करता हूं, तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बच्चे प्रेशर बन जाता है 560 टॉर, राइट. दैट इज अ स्टेटमेंट.
So that's my solution one, and that's my solution two. So 550 bache equals to mole fraction of x, mai bache partial pressure of x plus partial pressure of y. So what will be partial pressure of x bache? Mole fraction of x, which is number moles of x by total moles, into vapor pressure pure x bache, plus partial pressure y bache. It will be mole fraction of y 3/4 into vapor pressure of y in pure state. So yahan se bache, you can see LCM will be 4. 550 into 4 will be 2200 bache. P x naught plus 3 times P y naught. That's equation number 1. अब मेरे पास जो बचे रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है इज बाय एडिंग वन मोल फर्दर टू सॉल्यूशन वन. तो अब इसमें बचे आपके पास एक मोल एक्स था, पहले हमने एक्स एडअप नहीं किया, पहले मेरे पास थ्री मोल्स वाई थे, आपने एक मोल वाई और एडअप कर दिया, तो दैट हैज बिकम फोर मोल्स वाई. तो दिस सॉल्यूशन हैज अ प्रेशर 560. पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स विल बी 1/5 इनटू वेपर प्रेशर ऑफ एक्स 4/5 into vapor pressure of y. यहाँ से LCM बचे 5y का, 560 into 5 will be 2800 equals P x naught plus 4 times P y naught. It's equation number 2. जी आर्यन बांसल, क्या बचे मैनेज हो गया था बचे? नो सर, लेकिन अब समझ में आ गया. बचे ओके बचे, कोई डाउट तो है बचे? अब कोई डाउट है बचे? नहीं सर. ओके बच्चे, ओके बेटा. अजी बच्चे, एनीबॉडी एल्स बच्चे? प्रथम कोई कंफ्यूजन बच्चे इसमें? देखो जरा. नो सर, नो सर. ओके बच्चे, जी पुरंजे बोलिए बच्चे प्लीज. सर, पिछला क्वेश्चन हमने कराया था, उसमें ना जो टोटल आपने बोला था, टोटल का वेपर प्रेशर आया था, वो उसकी टॉट नॉट. तो सर, हम जो निकालते हैं टोटल, जब हम वो ऐड करते हैं दोनों के पार्शियल प्रेशर को, तो टोटल प्रेशर आता है सॉल्यूशन जी. टोटल प्रेशर को भी हम वेपर प्रेशर कहते हैं, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर को भी वेपर प्रेशर कहते हैं बच्चे. जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का बच्चे वेपर प्रेशर है, इट इज पार्शियल प्रेशर. तो टोटल, तो इसको टर्म वाइज मत देखो, इसको कॉम्पोजिशन वाइज देखो. जो प्रेशर वो सॉल्यूशन का कह रहा है, वो वेपर प्रेशर टोटल सॉल्यूशन का है. जो वो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का कह रहा है, वो बच्चे वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का है बच्चे. जी बच्चे, ठीक है बच्चे, क्लियर है? इसको टर्मिनोलॉजीज में मत देखो बच्चे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारे वेपर प्रेशर ही है बच्चे. ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, ये वेपर प्रेशर कंपोनेंट एक्स का है, ये वेपर प्रेशर कंपोनेंट वाई का है. इन दोनों कंपोनेंट्स ने मिलकर टोटल इतना प्रेशर एग्जर्ट किया बच्चे, पुरंजे, राइट? तो टोटल प्रेशर में से हाउ मच इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, दैट इज पार्शियल प्रेशर. तो इट्स अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एक्स. तो ऐसे ही बच्चे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाई बच्चे. क्लियर है बच्चे, पुरंजे? ओके बच्चे, चलो राइट ऑन. नेक्स्ट बच्चे, जी गुड समीप बोलिए बच्चे. ओके बच्चे, राइट ऑन, लीजिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोल ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर इक्वल्स 100 मिलीमीटर मर्करी कॉलम, फुल स्टॉप. एडिशन ऑफ two moles B further to same solution decreased vapor pressure by 20 millimeters mercury. Full stop. What are vapor pressures of A and B in pure states? Jaldi bachche, ek baar sab try kar lijiye, fir hum aage continue karte hain bachche.
आदित्य ठीक है बच्चे, वन ऑल ईच ऑफ लिक्विड ए एंड बी। आदित्य आपका आंसर मैच हो गया बच्चे, सेम वही 160 और यस सर मेरा भी सेम आ रहा है 160 बच्चे। यस सर ओके सर हमें चेक कर लेते हैं हम लोग। I have one mole of liquid A बच्चे and one mole of liquid B, जिस सॉल्यूशन का प्रेशर है 100। आर्यन मैनेज हो रहा है बच्चे ये? यस सर। ओके दिस इज सॉल्यूशन ए, तो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तेरा आंसर क्या आ रहा था बच्चे? 60 एंड 140। ये सर आ गया वो। एंड बी बच्चे अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बच्चे, मेरे पास वन मोल बी है, टोटल मोल्स आर 2 इनटू पीबी नॉट, एल से बच्चे 2 आएगा, तो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इक्वल्स 200। जी मान्य आंसर आगे बच्चे आपका? यस सर। ओके बच्चे अब मैंने इस बच्चे दो मोल फर्दर बी ऐड किया, पहले मेरे पास सॉल्यूशन में वन मोल ए प्लस वन मोल बी थे बच्चे, टू मोल बी फर्दर एडेड, तो अब ये सॉल्यूशन हो गया बच्चे वन मोल ऑफ ए एज सच 3 मोल्स ऑफ बी। तो अब बच्चे प्रेशर जो सॉल्यूशन का बच्चे वो 20 मिलीमीटर कम हो गया, पहले 100 था, अब नया प्रेशर बनेगा बच्चे 80 मिलीमीटर। महीप आंसर मैच हो गया बच्चे आपका? इट्स पार्शियल यस सर 140 एंड 60। 140 एंड 60 बच्चे। ओके बच्चे पार्शियल प्रेशर बी। गुरसमीप कुछ अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स मिली बच्चे? सर मुझे पता चल गया सर, वो मैंने 1 मोल ले लिया 2 मोल के लिए। ओके 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 बच्चे, तो हमने बच्चे 2 मोल्स बी बच्चे ऐड किया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए विल बी 1/4 इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट प्लस 3/4 into vapor pressure B in pure state, LCM 4 आएगा बच्चे, तो यहाँ से equation बन जाएगी हमारी 320 equals P A naught plus 3 times P B naught, that's equation number 2, तो इसको solve करेंगे बच्चे, we can subtract it, तो P B naught minus 3 P B naught, it's minus 2 P B naught, 200 minus 320, it's minus 120 बच्चे, तो यहाँ से P B naught आ जाएगा बच्चे 60, इसलिए पी ए नॉट विल बी 140। अजी बच्चों गॉट इट क्लियर बच्चे? ज्योतिर में इज इट ओके बच्चे, कंफर्टेबल? रितम दिव्यांशु जल्दी देखो बच्चों, कोई इश्यूज बच्चे, कोई प्रॉब्लम बच्चे? गिरीक हर्षित पाल जल्दी बच्चे? सर हो गया था। ग्रेट बच्चे, गुड बच्चे। अभिषेक कोई कंफ्यूजन बच्चे? तनिष दुगल सानिया हरी बच्चे? नो कंफ्यूजन। ओके बच्चे चल लेट्स, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन बच्चे आपको मैं सॉल्व जो दे रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी जी बच्चे बोलिए प्लीज बच्चा रितम। पिछला सॉल्यूशन देखने का पूरा ली बच्चे लीजिए बच्चे, अब जो बच्चे अपकमिंग सॉल्यूशन क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स वेरी सिंपल राइट, कोई उसमें स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन नहीं है, बट इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। अगर हम अपनी कैलकुलेशन मैनेज नहीं करते तो इट्स स्लाइटली लेंथी, अगर हम कैलकुलेशन मैनेज कर सकते हैं, हम उसमें कॉन्सेप्ट ठीक से अप्लाई करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन बन जाता है बच्चे राइट। तो लेट्स सी बच्चे आप में से कौन कन्वेंशनल कैलकुलेशंस करता है और कौन आप में से स्मार्ट कैलकुलेशंस करता है। जी रतम चेंज कर दो बच्चे, नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके बच्चे पढ़ो ठीक है बच्चे, एन आइडियल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड ए एंड लिक्विड बी हैज वेपर प्रेशर given by an empirical equation
पी इक्वल्स 160 माइनस 30 एक्स बी. एक्स बी इज बचे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी. बच्चे जल्दी बच्चे स्टार्ट बच्चे. इफ वी गो बाय ट्रेडिशनल रूट, मुझे बच्चे पी ए नॉट पी बी नॉट कैलकुलेट करने, तो मेरे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन से गिवन है एज यू पीपल कैन सी. ठीक है, मेरे पास वेरिएबल्स हैं बच्चे दो, पी ए नॉट एंड पी बी नॉट. एंड यू कैन सी बच्चे अगर ये टोटल प्रेशर का सॉल्यूशन है तो ये पार्शियल प्रेशर ए एंड बी को मिक्स करके एडअप करके बना होगा बच्चे, राइट? सिंपल डिसीजन. उस रिगार्ड में मुझे वेरिएबल्स में बस दो हैं कैलकुलेट करने के लिए, इक्वेशन है एक, तो क्या मैं दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं? पॉसिबल है बच्चे या नहीं? दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना बच्चे? तो इसलिए हमें एक कैलकुलेशन प्रोसीजर में कंपैरिजन बेस्ड मेथड प्लान करना पड़ेगा. व्हाट आई विल डू, मैं टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी का एक एक्सप्रेशन बनाऊंगा एब्सोल्युटली पैरेलल टू दिस इक्वेशन. इसमें मोल फ्रैक्शन सिर्फ बी की आ रही है, मैं उस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए सिर्फ मोल फ्रैक्शन बी की यूज करूंगा. आई मेक अप एन इक्वेशन, तो मैं फिर उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के कंपैरिजन में रख के वैल्यूज पिक करूंगा मुझे. ठीक है, दैट्स अ कन्वेंशनल मेथड. एंड हाउ इट वुड स्टार्ट, मैंने बच्चे वेपर प्रेशर आई थिंक सम वेपर प्रेशर बच्चे बी, बी का बच्चे वेपर प्रेशर नहीं पुरंजे, दैट्स रॉन्ग बच्चे. अरे बच्चे, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. आदित्य नहीं बच्चे, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल आंसर. इट विल बी एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, राइट? ये होंगे बच्चे पार्शियल प्रेशर. मेरे पास एक्सप्रेशन में बच्चे सिर्फ मोल फ्रैक्शन बी की रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैं ये एक्सप्रेशन सिर्फ मोल फ्रैक्शन बी की टर्म से बनाऊंगा. डू यू पीपल सी बच्चे, मेरा जो सॉल्यूशन है इट्स अ बाइनरी सॉल्यूशन, देख रहे हैं आप लोग? यस. तो उस रिगार्ड में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इट हैज टू बी वन, देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स. तो मुझे बच्चे सिर्फ मोल फ्रैक्शन बी की रिप्रेजेंट करनी है, इससे मैं एक ही मोल फ्रैक्शन को बी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूंगा. इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसा करके बच्चे मुझे मिलेगा ये रिजल्ट, पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट. तो इट विल बी पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट. ठीक बच्चे, तो दिस आई टेक फॉर द पी ए नॉट एज इज नेगेटिव साइन, आई विल जनरेट दिस नेगेटिव साइन पी ए नॉट. स्टूडेंट जस्ट मिनट बच्चे, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट. अब मेरे पास ये बन गया बच्चे. सो अब सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, मल्टीपल ऑफ टर्म्स, मल्टीपल ऑफ टर्म्स. ठीक है बच्चे, तो अब मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम होगी पी इक्वल्स पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स बी. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बच्चे हमारे पास इक्वेशन है बच्चे एम्पिरिकल इक्वेशन 160 माइनस 30 इंटू एक्स बी. तो बाय कंपेरिजन बच्चे मैं ये देख सकता हूँ, बाय कंपैरिजन मैं ये देख सकता हूँ बच्चे. तो बाय कंपैरिजन बच्चे पी ए नॉट इक्वल्स 160 एंड पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इक्वल्स 30. एज पी ए नॉट इज बच्चे 160, तो 160 माइनस पी बी नॉट इक्वल्स 30,
तो पी बी नॉट आ जाएगा बच्चे 160 माइनस 30 इट इज 130 यूनिट्स। ये इसका कन्वेंशनल लेंथी प्रोसीजर राइट। हाँ जी बच्चे, अब जरा बच्चे प्लीज अनम्यूट करिए। हाउ मेनी अमंग यू हैव फॉलोड दिस प्रोसीजर? किन कितनों के माइंड में ये प्लान अप था बच्चे? गुरसमीप जी, काफी सारे बच्चे बच्चे, सानिया, महीप, कोशांगी, हर्षद पाल, गुरसमीप, रचित वालिया, मान्या, गुड बच्चे, गुड गुड गुड। हाँ जी बच्चे, तो एक तो बच्चे इसका ये प्लान अप है। अब मैं इसका पिक करने जा रहा हूँ सेकेंड प्लान अप बच्चे। व्हाट इज दैट सेकेंड प्लान अप बच्चे? दिस इज एन ऑप्शनल मैथड। प्रेशर सॉल्यूशन बच्चे ये है, ये बच्चे इस सॉल्यूशन का प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, व्हिच इज ऑपरेटेड बाय मिक्सिंग ए एंड बी राइट। और इसमें बच्चे जो ये मेरी मोल फ्रैक्शन है बेटा, नंबर मोल्स ऑफ बी बाय नंबर मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर मोल्स ऑफ ए राइट। ये सॉल्यूशन बच्चे दोनों के प्रेशर्स को एड अप करके बना है, तो इस टोटल प्रेशर में ये कॉन्ट्रीब्यूशन पक्का ही होंगी राइट। हरी बच्चे, ये प्रेशर बच्चे हमें प्योर ए का वेपर प्रेशर कब देगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस दिस सॉल्यूशन वुड हैव बिहेव्ड प्योर ए। ये प्योर ए कब होता बच्चे? जब इसमें बी नहीं होता। गुड समय, गॉट इट? यस सर। ये सॉल्यूशन बच्चे ए एंड बी के मिक्सिंग से बना है, ये सॉल्यूशन से मुझे वैल्यू प्योर ए की तब, क्योंकि बच्चे सॉल्यूशन आइडियल है तो ए प्लस बी का प्रेशर एड अप करके आएगा, तो अगर इसमें बी नहीं होगा तो जो भी प्रेशर आएगा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ए, गॉट इट? तो ये प्योर तब डिनोट करेगा जब इसमें बी नहीं होगा, तो जब बी नहीं होगा तो नंबर मोल्स ऑफ बी विल बी जीरो। इफ अबाउट एन बी जीरो तो डू यू सी बचे पी बी नॉट, आई एम सॉरी पी ए नॉट, क्योंकि देयर इज नो बी, इक्वल्स 160 माइनस 30 into 0, तो it is 160 बच्चे, सेम आंसर। ये सॉल्यूशन बच्चे हमें प्योर बी कब रिप्रेजेंट करेगा? जब इसमें जब ए नहीं होगा बच्चे, ये तब होगा जब इसमें ए नहीं होगा, तो एन ए विल बी 0, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस बच्चे 160 माइनस 30 into moles of b by moles of b, cancel this is 1 and this is 130 units. तो हम इस वेज में एस्ट्रोनॉमिकल्स को क्रैक कर सकते हैं बच्चे, तो एक ये भी इसका प्लान अप है जो काम कर सकते हैं बच्चे। अजी कुछ समय बोलिए बच्चे। सर वो इक्वेशन सिर्फ मिक्सचर के लिए नहीं थी? कौन से बच्चे मिक्सचर थे, तो मिक्सचर किससे बना होगा बच्चे? मिक्सचर ए एंड बी को लेकर ही तो बना है। Yes, ये तो फिर हमने तो प्योर वाले मिक्सचर्स ले, मतलब प्योर वाला, क्या उसमें कंपोनेंट ए की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी बच्चे? ये ए कब रिप्रेजेंट करेगा? जब ये नहीं होगा। अगर आपको वो समझने हैं मत करो, आप इसे कन्वेंशनल वे से करो बच्चे। ये प्योर बी कब रिप्रेजेंट करेगा? जब इसमें ए नहीं होगा बच्चे। तो दीज आर टू ऑप्शनल वर्कआउट्स, तो आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो बच्चे। ये बच्चे मेरा सॉल्यूशन है गुड समीप राइट। इफ दिस बिकम जीरो तो दिस इज बिकॉज ऑफ प्योर ए ओनली। हाँ बच्चे, तो प्योर ए बनाने के लिए अगर मुझे बी रिमूव करना है बच्चे, बी तब होगा जब बी के मोल्स नहीं होंगे, तो इसे बच्चे मैंने ये कंडीशन पोज कर। हाँ बच्चे बोलिए बेटा। ओके सर राइट, तो हम उस वेज में इसे प्लान अप कर सकते बच्चे। तो ध्यान रखना बच्चे, ये एक जनरल मेथड नहीं है, ये मेथड सिर्फ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल होगा बच्चे, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस पे बच्चे। तो जस्ट दिस पर्टिकुलर टाइप कैन बी हैंडल्ड बाय दिस प्रोसीजर, नॉट ऑल न्यूमेरिकल्स। अजी गुड्स में गॉट इट बच्चे, क्लियर है? यस। अजी बच्चे अब मुझे एक चीज बताओ बच्चे, हाउ मेनी मांग यू हैड प्लान अप दिस न्यूमेरिकल एज पर सेकेंड अप्रोच? आदित्य जी आपका आंसर तो गलत आ रहा था बच्चे, अप्रोच ठीक था। मैंने जीरो नहीं लिया था, मैंने 1-2 लेके कर दिया था। 1-2 क्या मतलब? एक मोल मैंने बी का मान लिया था तो ऑटोमेटिकली ए का भी मोल एक आ गया, ऐसे सबसे दूसरी इक्वेशन के लिए दो मोल मान लिए थे। नहीं बच्चे चलो कुछ करें हम। हाँ जी बच्चे, तो दीज आर टू
ऑप्शनल प्रोसीजर्स टू क्रैक दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिक, राइट। चलिए हम यहां से चलते हैं बच्चे आगे, क्या मैं पेज चेंज कर दूं बच्चे? चलिए एक मिनट जी, उस मेथड से आएगा नहीं क्या आंसर? नहीं आएगा बच्चे, उससे आपको प्योर कंपोनेंट कैसे मिलेगा बच्चे? हाउ यू कैन, दो रिलेशन बन जाएगी ना फिर। आप एक मिनट बच्चे मुझे बात बताइए, हाउ यू कैन अज्यूम अ इक्विपोलर सॉल्यूशन? आप किसी भी, जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप किसी भी सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन कैसे अज्यूम कर सकते हो बच्चे? आप एक मोल ए का, दो मोल बी का, एक मोल ए का, एक मोल, आप किस बिहाफ पे लोगे? व्हाट इज लॉजिक फॉर दैट? ओके, कॉम्पोजिट चेंज का प्रेशर चेंज हो जाएगा उसको, तो उसका तो कोई, उसका तो कोई बेस ही नहीं है जो आप कह रहे हो। या तो हमें रेशियो दी होती बच्चे, या कुछ हमें कुछ इंडिकेशन होती बच्चे, बट अदरवाइज जो आप कर रहे हो उसको कोई बेस नहीं है। Okay. हर डिफरेंट कॉम्पोजिशन का बच्चे डिफरेंट प्रेशर आएगा, सिर्फ प्योर कॉम्पोनेंट का प्रेशर फिक्स आएगा बच्चे। वो प्योर कॉम्पोनेंट का तब होगा जब दूसरा कॉम्पोनेंट नहीं है बच्चे, है ना? Yes. जी गुड सर, नोट करिए बच्चे। Yes, sir. जी बच्चे, अब हम यहां से मूव करते बच्चे आगे। ये है हमारा राउल्ट्स लॉ, फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अजीब, अब इसको बच्चे ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये पार्ट टर्मिनोलॉजी बेस्ड पार्ट है बच्चे, राइट। अब सी बच्चे, मेरे पास एक बच्चे सॉल्यूशन है, उसको मैंने कैसे बनाया? I took solvent जिसका वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में P नॉट, उसमें मैंने एड अप कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बच्चे मैंने किया बच्चे ये सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए दिस सॉल्यूशन इज टू सॉल्यूशन अगेन। अभी कॉपी मत करना बच्चे, ऑल ऑफ यू डोंट राइट एनीथिंग पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट, क्योंकि दो कॉम्पोनेंट्स है बच्चे, ये बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बच्चे अभी ना मैं कुछ बहुत इररिलेवेंट सी चीजें भी लिख रहा हूँ साथ साथ, इसे कुछ कॉपी मत करना बच्चे, जिसमें इसको बिल्कुल बेसिक स्क्रैप से पिक करने की कोशिश कर। डू यू फील बच्चे दिस वैल्यू विल बी जीरो? ध्यान से देखो, पी नॉट सॉल्यूट विल बी जीरो बच्चे। यस सर। क्या ये कन्विंसिंग है बच्चे? आर यू कन्विंस विद दिस? गुड स्टूडेंट सेज यस। बाकी बच्चे, बाकी स्टूडेंट, आदित्य भारत, आर यू कन्विंस बच्चे? मुझे समझ नहीं आया। आप ये हम बच्चे इस कॉम्पोजिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया बाय मिक्सिंग सॉल्वेंट, बाय मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद अ सॉल्वेंट, है बच्चे? तो मेरे सॉल्यूशन में दो ही कॉम्पोनेंट्स हैं, तो मैंने सॉल्यूशन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट, जैसे हम पुराना काम करते आए, पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट बच्चे मैंने राउल्ट्स लॉ से ये लिखा, पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट मैंने राउल्ट्स लॉ से ये लिखा। P not solute, vapor pressure of pure solute will be zero. क्या इसे zero लिखना आप convinced हैं या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, या अभी भी पता नहीं चला बच्चे? Sir, reason नहीं समझ आया मेरे को। Reason समझ नहीं आया? मैं अभी आपको पता भी नहीं चला, reason भी नहीं समझ आया। Okay. जी मानिया, जल्दी बच्चे। Yes sir. Convinced? Yes sir. Good. Mahip, convinced बच्चे? Yes sir. कोई confusion बच्चे? No sir, it's non-volatile solution. जी सानिया, convince बच्चे? Yes sir. Great, हरी बच्चे, all of you बच्चे। आदित्य, बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चे, जब मैं सॉल्यूट को non-volatile कह रहा हूँ तो उसका प्रेशर कहाँ से होगा? Okay. तो इसमें क्या समझ नहीं आया बच्चे आपको? जब यहाँ पे mention है कि solute is non-volatile, तो it will not form any vapors. अब clear है? Yes. Clear है बच्चे? तो इसलिए मेरे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर
state. That is my expression number one. Haji bache, Aditya, aap clear hai bache? Ke confusion? Yes, sir. Okay, bache. I mixed up solute and solvent to form a solution. Right? Haji bache. Mole fraction of solvent under all cases will be less than one. Haji bache. Pritham. क्या आप इस मार्किंग से कन्विंस्ड हैं बच्चे? ये जो बच्चे मैंने सॉल्यूशन बनाया है बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड सॉल्वेंट बच्चे, इसमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की हर केस में एक से कम होगी बच्चे। यस सर। आर यू कन्विंस्ड? यस सर। ओके बच्चे। जी रचित, आर यू कन्विंस्ड बच्चे? यस सर। कोई कन्फ्यूजन? नो सर। नहीं। जी बच्चे, Anya Bansal, Anvi, are you people convinced bache, with this? Yes, sir. Great. Good, bache. Ritam, Rachit, Anya, ji bache, Anvi, perfect match. Why? Mere paas do components hai bache. So sum of mole fractions has to be unity. So mole fraction of solute plus mole fraction of solvent, that has to be one. Solute jitne marzi amount mein ho, uski kuch to mole fraction hogi bache. तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन क्या आएगी? वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन वन इन सॉल्यूशन, राइट? तो एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी ऑलवेज लेस देन वन, हेंस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जी बच्चे, ये है हमारा रिजल्ट नंबर वन। गुड समीप, कोई कंफ्यूजन बचे इसमें यहां तक? No, sir. Nahi. Aditya, koi confusion bache? No, sir. Absolutely clear? Yes, sir. Good. Girik, koi confusion bache? No, sir. Ji bache. Ab isi cheez ko hum log apni last class se relate karne ki koshish karte hain bache. Last class bache, maine aapko ek section, ek approach hai, maine observation di thi. Maan lijiye some pure liquid. मैं इस प्योर लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी ऐड अप करता हूं, वहां मैंने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी बोला था या मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड अप करता हूं, तो वो इन वाइज पोजीशन में आएगा और इन वाइज पोजीशन में आते ही इट विल बी केमिकली इंटरैक्टेड विद दीज प्योर लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों ने बच्चे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसी इंप्योरिटीज आने के कारण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग में और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसके कारण उनकी एबिलिटी वेपर में चेंज होने की कम हो जाएगी। इसलिए अगर मैंने ऐसी कुछ नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी ऐड अप की, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम आना शुरू हो जाएगा, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। क्या आप ये दो चीजें कोरिलेट कर पा रहे हो बच्चों? ऑल ऑफ यू ध्यान से देखो। चलिए बच्चे फटाफट, गुड समीप, आर यू एबल टू कोरिलेट बच्चे रिजल्ट ऑफ लास्ट क्लास एंड रिजल्ट ऑफ टुडेज क्लास? दोनों एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे। Yes, sir. Any confusion, bache? No, sir. Koshangi, any confusion, bache? No, sir. Manya? No, sir. Rachit, any confusion, bache? No, sir. Puranjay? Ji, Puranjay, bache? Okay, bache. So, Raoult's law, bache. Ye jo bache, maine ek expression banaya na. Raoult's law, ko jab hum state karenge, hum ye expression state kar sakte. चल अब मैं यहां से चलता हूं आगे। ये तो बच्चे मेरा नंबर वन, अब मैं आता हूं स्टेज नंबर टू। तो ऐसे केसेस में प्रेशर का सॉल्यूशन हमेशा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम आएगा। दिव्यांशु क्लियर है बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस चीज में? नहीं सर। अनमोल नहीं है क्लास में बच्चे। जी आर्यन बांसल, कोई कंफ्यूजन बच्चे इसमें? नो सर। जी बच्चे, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हर्षित पाल, आर यू कंफर्टेबल बच्चे इन दिस कंपैरिजन? जी बच्चे, तो सॉल्यूशन का प्रेशर बच्चे सॉल्वेंट के प्रेशर में कम आएगा, अभी तक हमें ये पता चल गया। अब आपको एक डिसीजन लेना बच्चे, जो सॉल्यूशन का प्रेशर सॉल्वेंट के प्रेशर के कंपैरिजन में कम आ रहा है, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना कम आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे
या अमाउंट ऑफ एडेड नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी पर डिसीजन लो. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सर. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गिरी सॉरी गुरु समीप एंड आदित्य जी गिरी भसीन व्हाट डू यू से बच्चे. Decrease in pressure of solution with respect to solvent will depend upon which of the two factors? Amount of solute or amount of solvent? The solvent. Amount of solvent. Three students with amount of solvent. Ji Manya, take a final call. Sir, I think it should be amount of solvent only. Amount of solvent only. Ji Bachchu. Mujhe aap charo students ka answer bilkul bhi convincing nahi laga. Bachche. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे सॉल्वेंट तो आपका फिक्स्ड है आप तो इंप्योरिटी एड अप कर रहे हो तो सॉल्वेंट के अमाउंट पे कैसे डिपेंड करेगा ये सर इक्वेशन में वो जीरो हो जाएगा ना सॉल्यूट वाला पार्ट तो सॉल्यूट वाला पार्ट जीरो सॉल्यूट का अमाउंट जीरो हो जाएगा फिर प्रेशर जीरो हो जाएगा क्या जीरो हो जाएगा सॉल्यूट प्रेशर भी जीरो हो गया तो जो भी डिपेंडेंसी है सॉल्यूट पे वो भी तो सारी जीरो ही होगी मींस प्रेशर जीरो तो अमाउंट भी जीरो हो गया बच्चे आप सॉल्यूट वेसल में करो ना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे उससे मोल फ्रैक्शन कोई फर्क नहीं आएगा बच्चे क्योंकि उसका प्रेशर जीरो तो जितने मर्जी अमाउंट में अडॉप्ट करते रहो विजन ठीक करो बच्चे जी महीप हरी बेटा व्हाट यू वर थिंकिंग आप क्या सोच रही थी बच्चे Sir, I was not sure in either of them, but I was like leaning towards non-volatile because of the forces they will increase in further. थोड़ा सा सी बच्चे, मैंने दो impurities add किए, अगर मैं एक और amount impurity का add up कर दूँ, तो do you see बच्चे impurity add up कर, जब मैं जितने ज़्यादा impurity amount add up करता जाऊँगा, उतने ज़्यादा solute solvent intermolecular forces develop होंगे बच्चे? Yes. है ना बच्चे? तो मैं जितने ज़्यादा amount में, क्योंकि solvent का amount तो fixed है, I'm not adding any amount of solvent. हमने तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में इंप्योरिटी ऐड की है तो मैं सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज कहां कर रहा हूं बच्चे मैं सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज नहीं करूं तो भी प्रेशर कम हो रहा है बच्चे तो हाउ डिपेंसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वेरी बेसिक क्वेश्चन बच्चे इस ऑब्जर्वेशन में ध्यान से देखो क्या मैंने सॉल्वेंट ऐड अप किया नो सर नहीं जी मान जी माने डिड आई ऐड अप सॉल्वेंट नो सर देन हाउ यू वर स्ट्रांगली कन्विंस इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बच्चे सॉल्वेंट का तो मेरा अमाउंट फिक्स्ड है सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स्ड रहने के बावजूद प्रेशर कम हो रहा है तो वो अगर सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंड करता तो इट वुड हैव स्टे कंसिस्टेंट फिर कम क्यों होता वो जी बच्चे बोलो सॉरी सर आई वाजंट कंसंट्रेटिंग फुली सो आई डोंट से सॉरी अबाउट इट ऐसा कुछ नहीं किया आप लोगों ने डोंट से सॉरी अबाउट इट राइट जी बच्चे गुड क्लियर है बच्चे थॉट क्लियर है थॉट आगे चले यस सर तो मैं जितना बच्चे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा ना उतना प्रेशर कम होता जाएगा क्यों मैं जितनी इंप्योरिटी ऐड अप करूंगा उतने ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए एस्केप करना उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा इससे प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज फर्दर रचित आपका विजन क्या था बच्चे सेम जो ये लोग कह रहे थे कि सॉल्यूट सॉल्यूट ओके दैट्स वंडरफुल बच्चे So, अब यहां बच्चे में इसको एक सेकंड स्टेज पे लेके जाओ एस डिक्रीज इन प्रेशर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बच्चे तो उस रिगार्ड बच्चे ये तो बच्चे सॉल्वेंट का अमाउंट डिनोट कर रहे हैं तो मैं इसे एक्सप्रेशन को सॉल्यूट के अमाउंट में चेंज कर देता हूं कन्फ्यूजन है बच्चा अभी भी देखो हम डिस्कस कर सकते हैं बेटा नो सर क्लियर हो गया हाँ जी बच्चे तो क्या बच्चे ये रिलेशन कन्विंसिंग है बच्चे आप सबको क्योंकि बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल बी वन तो एज डिक्रीज इन प्रेशर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो मैंने सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को सॉल्यूट के अमाउंट में इंटरप्रेट कर दिया राइट ये बच्चे मेरा बना केस नंबर टू दो बच्चे अभी जैसे आपको मैं कह रहा हूं आपने कॉपी नहीं करना मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड पेज पे दोबारा लिख रहा हूं तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट दिस बच्चे हरी बच्चे अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन करूं ना
चलेगा बच्चे? अब मैं यहाँ पे बच्चे पी नॉट डिनोट करूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बच्चे, एंड एक्स डिनोट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अरे बच्चे तो एक्स इंटू पी नॉट इक्वल्स पी नॉट माइनस पी, और पी नॉट माइनस पी इक्वल्स एक्स इंटू पी नॉट। तो ये बच्चे मेरा बना एक्चुअली एक्सप्रेशन नंबर थ्री। अरे बच्चे अब यहां से एक चीज और देखो बच्चे, रचित राउल्ट्स ने, राउल्ट्स ने बच्चे क्या किया? रचित मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको? जी दिव्यांशु एम आई ऑडिबल बच्चे? दिव्यांशु, दिव्यांशु सानी मेरी आवाज आ रही है बच्चे? कोई लैग तो नहीं है बच्चे? यस सर। नहीं सर। जी बच्चे, जी दिव्यांशु, राउल्ट्स ने बच्चे क्या किया? उसने इस टर्म को एक नेम दिया बच्चे, ठीक है? इन दोनों में से बच्चे ये कौन सा नेम बेटर है इस टर्म के लिए? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये नेम बेटर बच्चे, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? फिर फर्स्ट वाला। इन दोनों में से बच्चे एक ठीक है एक गलत है, तो यू फाइंड फर्स्ट वन बच्चे, रिलेटिव लोअरिंग। ओके बच्चे, ओके अनवी, हाँ जी बच्चे, व्हाट डू यू फील बच्चे, व्हिच इज बेटर टर्म फॉर पी नॉट माइनस पी? इज इट फर्स्ट और सेकंड? रिलेटिव लोअरिंग बच्चे। जी जी रचित बोलिए बच्चे प्लीज। सर कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड? जी बच्चे, राउल्ट्स ने बच्चे क्या किया? जब उसने अपना लॉ स्टेट किया ना, उसने इस टर्म को पी नॉट माइनस पी को एक नाम दिया, एक टर्म दिया बच्चे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको उस टर्म के हिसाब से भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है? तो हमें वो टर्म पिक करना जरूरी है बच्चे। तो पी नॉट माइनस पी को मैं क्या नेम दूं बच्चे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? बच्चे व्हाट शल आई गिव इट आंसर? नहीं, क्या आपको एप्रोप्रिएट नेम लग रहा है? अनवी एंड दिव्यांशु दे से बोथ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सो व्हाट डू यू फील बच्चे? आपको लगता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? जी बच्चे, ओके जी बच्चे, हाँ जी, हो वन एल्स अनवी, दो मिनट बच्चे। जी बेटा, क्या नाम है काका? आदित्य, हाँ जी बेटा, रिलेटिव लोअरिंग बच्चे। जी रचित, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इन स्टूडेंट्स का आंसर गलत है बच्चे। स्टूडेंट्स एक टर्म बच्चे रिकॉल करो, आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में, टेंथ में या मे बी शायद इलेवेंथ में फिजिक्स में एक टर्म डिफाइन की होगी, रिलेटिव डेंसिटी, आरडी, याद है बच्चों? Are you people familiar with the term relative density बच्चे? Yes. Yes sir. है ना बच्चे, पढ़ा ना आप लोगों ने? तो RD, what is relative density? Density of liquid divided by density of water. है ना बच्चे? Under similar conditions. आप ये define करते बच्चे relative density. So the word relative means ratio. Is there any ratio in this quantity? अनवी, इसमें कुछ रेशियो है बच्चे? नो सर, सर आई थॉट ऑफ दैट, तभी मैंने हैड रेस किया। रॉन्ग बच्चे, तो इसलिए मैं इस टर्म को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बच्चे नाम दूंगा। तो दिस इज, ये जो टर्म है बच्चे मैं इसे लेबल कर रहा हूं एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट बच्चे, जैसे मैं इस एक्सप्रेशन बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, पी नॉट माइनस पी divided by P naught, X is mole fraction of solid. Aditya, ek moment bache. Hari bache. Do you see bache, this term is ratio bache. P naught minus P by P naught. Kya aap is the ratio dekh pa rahe bache? Yes, sir. That ratio gets a term relative. Right? So what is relative? Ratio of a quantity with respect to standard quantity. So this is decrease in vapor pressure with respect to vapor pressure of solvent. So main is term ko bache naam dunga relative lowering in vapor pressure. In vapor pressure. Ye hai bache hamara expression number 4.
जी आदित्य बोलिए बच्चे प्लीज आप कुछ कह रहे हैं। रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी वाले रिलेटिव नहीं हो सकता। नहीं नहीं वो तो बच्चे रेफरेंस में आएगा बच्चे, वो तो तब जब आपका फ्रेम मूव कर रहा है बच्चे, इट्स ऑल रिलेटिव कंपैरिजन। जी हाँ जी बेटा गुड समीट। अब मेरे एक बच्चे मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक आर यू रेडी बच्चे क्या रहे? यस सर। गिवन मास ऑफ वाटर में मैं कुछ नॉन मास में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड अप करता हूं, ठीक बच्चे? ओके सर। ऐसा मुझे वाटर का वेपर प्रेशर प्योर शेप में गिवन है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा मुझे, वो भी न्यूमेरिकली गिवन है। तो मुझे बच्चे ऐसे डाटा में मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट करना मुझे, ठीक है? ओके सर। कन्वीनियंस नहीं देखनी, ठीक या गलत देखना है, ठीक है? कन्वीनियंस नहीं देखनी बच्चे। तो विच फॉर्मूला आई शुड यूज टू गेट मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इज इट नंबर 3 और 4 और एनीवन बिटवीन दीज टू? सर आई थिंक एनीवन सेम ही है दोनों। दोनों सेम ही बच्चे, ओके। ये तीन चार क्लियर है बच्चे एक्सप्रेशन? आई एम गोइंग टू बैक पेज। ये तीन चार क्लियर है बच्चे? गुड समीर। यस सर। नाउ 3 एंड 4 एंड 2 व्हिच वन आई कैन यूज, इज इट 2 3 4 और एनीवन अमंग दीस 3? सेम डाटा सेम न्यूमेरिकल। सर एक बार पिछले वाला दिखाना। बिल्कुल बच्चे चलो, सर ये वाला कौन सा बच्चे? थर्ड और फोर्थ ये वाला। टू नहीं, थर्ड एंड फोर्थ हम यूज करेंगे, हम टू यूज करेंगे, आंसर गलत आएगा। तो हम थर्ड एंड फोर्थ में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी वांट टू से। सर मुझे अभी लग रहा है तीनों में से सेम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों आप कर सकते हो, फाइनल आंसर? सर ऑल थ्री ऑफ देम। ऑल थ्री, एक बार आपने कहा 3 and 4, 2 नहीं, एक बार आपने कहा ऑल थ्री, फाइनल आंसर? सर ऑल थ्री। ऑल थ्री, ओके। व्हाट इफ आई कोट यू विच अमंग 1, 2, 3 and 4, नाउ व्हाट विल बी राइट आंसर? सेकंड करेक्ट तो सारों में से आएगा। करेक्ट सारों में से आएगा ना बच्चे? एग्जैक्टली बच्चे। जी बच्चे गुड समिट, सो 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 सॉरी बच्चे फॉर टेकिंग अननेसेसरी योर टाइम। तो लाइक सी बच्चे मैं आप सब स्टूडेंट्स को बच्चे गुड समिट की यही डिस्कशन का एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना चाहता था। ही इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। जब राउल्ट्स लॉ बच्चे कोट किया जाता है ना फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड, हमने चार स्टेप्स बनाए हुए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इसी कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अरे यार हमें पता नहीं चल रहा मुझे रिलेशन कौन सा यूज करना, इतने सारे रिलेशन लिखवा दी 1, 2, 3, 4, भाई कौन सा यूज कर मुझे पता नहीं चल रहा। प्यारे बच्चों ये चारों ही रिलेशन एक ही क्वेश्चन से बने हुए हैं, एक ही तरीके से बने हुए हैं, इसलिए ये चारों सिनोनिम absolutely identical expressions. तो आप अपना आंसर रिलेशन नंबर 1 से निकालो, नंबर 2 से निकालो, नंबर 3 से निकालो, नंबर 4 से निकालो, ये आपकी मर्जी, ये आपको देखना आप लिए कौन सा कन्वीनियंट है। ऑल फोर आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल एक्सप्रेशन। हाँ जहां एग्जामिनर आपको बच्चे टर्म बेस्ड डाटा प्रोवाइड कर देगा कि मैंने इतने ग्राम सॉल्यूट इतने ग्राम वाटर में डिजोल्व किया, लोरिंग एंड वेपर प्रेशर सो मेनी यूनिट्स, दिस इज लोरिंग पी नॉट माइनस पी पर्टिकुलर, ये लोरिंग है बच्चे, दिस ओवरऑल इज नॉट एट ऑल लोरिंग, इसे लोरिंग लोगे तो गलत हो जाएगा बच्चे, ये नहीं रिलेटिव लोरिंग है, ये लोरिंग है, या कोई लोरिंग नहीं है बच्चे एक्सप्रेशन में, देर इज नो वेर पी नॉट माइनस पी, देर इज नो वेर पी नॉट माइनस पी। जहां वो टर्म बेस्ड न्यूमेरिकल बनेगा या तो वो लोरिंग में आएगा या वो रिलेटिव लोरिंग में आएगा। तो अगर वो ये टर्म यूज नहीं कर रहा, आप चारों में से जो मर्जी एक्सप्रेशन यूज करो, देयर इज नो नथिंग हिडन फैक्ट अबाउट इट। तो राउल्ट्स लॉ बच्चे स्टेट करने के लिए ये चार ऑप्शंस हैं बच्चे आपके पास। तो आपको मैं ये चारों एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूं बच्चे। अरे बच्चे
एनी कंफ्यूजन. गुरुस्वामी बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों हुई थी बच्चा आपको, वो भी नहीं होना आपको. नहीं सर वो मुझे क्या आप नहीं... क्या आप मेरे क्वेश्चन को डाउट में देख रहे थे, ये कुछ पूछा जा रहा है पक्का इसमें कुछ उल्टा होगा, ऐसा कुछ सोच रही थी आप कि मैं ध्यान से देखूं है पुत्र? यस सो सॉरी बच्चे फॉर दैट, बट थिंग इज बच्चे पेपर में ना यही काम होता है, कोई सीधा से भी डाटा आएगा ना इसमें पक्का कुछ ना कुछ है, तो वो उस चक्कर में गलत हो जाता है. हेलो बच्चे आर यू कंफर्टेबल, स्टार्ट करें बच्चे आगे. सो ऑल ऑफ यू बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने फ्रेंड्स में सर्कल में कभी बात करके देखना, आप कभी अपने सीनियर से बात करके देखना, वो इसी चीज के अराउंड घूमते रहते हैं. दे आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन कि मुझे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है. ये चारों आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है. जैसे आपको जो मैं न्यूमेरिकल दूंगा ना, हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा मे बी, मैं आपका वो न्यूमेरिकल चारों एक्सप्रेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा, आंसर डॉट आइडेंटिकल आएगा कुछ. अजी बच्चों करें स्टार्ट, ऑल ऑफ यू रेडी? अजी मानिया एनी कंफ्यूजन बच्चे टिल टाइम? नो सर. श्योर? यस सर. चलो ग्रेट बच्चे. हरी बेटा स्टूडेंट्स ये हेडिंग सेट करो बच्चे, राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्ट. हरी बच्चे अजी बच्चे ठीक है बेटा, नाम या बच्चे हम थोड़ी सी एक लाइन एडप्ट करें बच्चे ठीक है बेटा. एस Solute is non-volatile, comma hence pressure of solution may be expressed as ये बच्चे blue double tick copy कर लो. जिनको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और basic note करना है कि मुझे confusion हो सकता है, तो पहले ये note करके बच्चे इसमें बीइंग नॉन वोलेटाइल बच्चे पी नॉट वैल्यू विल बी जीरो. अदित्य अब आपको क्लियर हो गया बच्चे? पहले शुरू में आपको बच्चे इस पे तो हमें पी नॉट जीरो पुट करके वो अल्टीमेटली ये बन जाएगा बच्चे, तो यहां तक इंफॉर्मेशन कॉपी करना बच्चे. चलिए बेटा अब हम यहां से आगे बच्चे यहां से फर्दर बच्चे अडॉप्ट करना. एज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन pressure of pure solvent, which further depends upon amount of solute, which further depends upon amount of solute. Hence, equation number one can be rewritten as number two. इसलिए बच्चे ध्यान रखना, decrease in pressure of solution. जो सॉल्यूशन का प्रेशर बच्चे कम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है. गुड्स में क्लियर हो गया बच्चे चीज में? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे. यस सर क्लियर. हरी तो इक्वेशन नंबर वन बच्चे मैंने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट में रिप्रेजेंट करके इक्वेशन नंबर टू बना लिया. क्या आप लोगों ने इतना नोट कर लिया बच्चे? मैं पेज चेंज कर दूं. चलिए बच्चे कॉपी चेंज कर दो बच्चे पेज. यस सर जी बच्चे इसको बच्चे ऐड करना. इक्वेशन नंबर टू वही थी बच्चे हमारी, इक्वेशन नंबर टू बच्चे फॉर द बच्चे ऐड करो, कैन बी रीअरेंज्ड एज इक्वेशन नंबर थ्री. इक्वेशन नंबर टू कैन बी रीअरेंज्ड एज नंबर थ्री. महीप कंफर्टेबल बच्चे? सर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर. बोलो बच्चे बोलो प्लीज बोलो बच्चे बोलो प्लीज. सर मतलब जैसे हम बार बार हम कहीं पे पी नॉट पी यूज कर रहे हैं तो मतलब मुझे फॉर्मूला अभी तक रिटेन नहीं हो रहे हैं. वो आपको बच्चे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चे. तो इससे बच्चे मैं इससे आपको कह रहा हूँ कि एक बार आपको मैं चारों फॉर्मूला इकट्ठे लिखवाऊंगा, आप जो मर्जी यूज कर लो बच्चे. तो पी नॉट इज बच्चे स्टैंडर्ड कन्वेंशन ऑफ अ वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट बच्चे, ये इस पूरे चैप्टर में ऐसे चलेगा बच्चे. तो कहीं भी आप सुपरस्क्रिप्ट जीरो कोट कर रहे हो इट्स अ वैल्यू फिक्स फॉर सॉल्वेंट. मैं एक बच्चे मैं सारे फॉर्मूले करते लिखते एक बार पहले हम यहां से बच्चे फिनिश ऑफ कर लें. हाजी बच्चे आपको अगर बीच में स्टेप्स लिखने हैं आप लोग बच्चों स्टेप्स नोट कर लो, अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली मैनेज किया जा सकता है डायरेक्टली ये फाइनल इक्वेशन ऐड अप करो.
आन्या डन बच्चे? ओके बच्चे, हरी बेटा, तो यहां पर आपको मेंशन करना है पी नॉट माइनस पी, दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. पी नॉट माइनस पी बच्चे, रिलेटिव क्या बच्चे? I'm sorry, I'm so 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 sorry. This is known as lowering in vapor pressure. So that is expression number three. अरे बच्चे, आप कले बच्चे आप लोगों ने तो इसी expression बच्चे जैसे आप cross multiply करोगे p dot minus p divided by p naught. This term is equals to mole fraction of solute. और ये टर्म बच्चे हम डिनोट कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जी बच्चे, ऑल ऑफ यू एडेड. आर्यन नोट कर लिए बच्चे? आर्यन बांसल, अहिप कॉपी कर लिए बच्चे प्लीज़? यस सर, आई हैव डन. ऑल ऑफ यू, इज द बच्चे एनीबॉडी? हर्षित पाल नोट कर लिए बच्चे आपने? यस सर जी बच्चे. रितम थ्रू बच्चा? यस सर. ओके बच्चे, हरी बच्चे, नाउ लेट्स हैव ठीक है बच्चे एनालिसिस ऑन. Raoult's law. For solution containing non-volatile solute, number one. Let's try to come out of that confusion. फर्स्ट बच्चे क्लियर है बेटा? यस सर. बिकॉज़ देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन वेपर प्रेशर बाय सॉल्यूट, जस्ट हमने सॉल्यूट और पार्शियल प्रेशर रिमूव ही कर दिए बच्चे, ठीक है बेटा? यस, इट्स मोस्ट बेसिक बच्चे, इसको माइंड में रखे आप सब डेवलप कर सकते हो बच्चे. अरे बच्चे, सेकेंड बच्चे हमने क्या कोट किया कि ये जो प्रेशर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के प्रेशर से कम आ रहा है, कुछ इसके बच्चे कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? मही नो सर जी बच्चे, सॉल्यूशन का प्रेशर बच्चे जो सॉल्वेंट के प्रेशर से कम आ रहा है, दिस डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑनली. ये सॉल्वेंट के अमाउंट पर तो डिपेंड नहीं करेगा बच्चे, ये सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, राइट? यस सर. तो मैं बच्चे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर देता हूं, फाइन? दैट्स नंबर टू बच्चे, ठीक है? नंबर थ्री बच्चे, जैसा आप इसे रीअरेंज करोगे ये बनेगा पी नॉट माइनस पी. अगर यहां से बच्चे इसे ड्राइव करने की कोशिश तो दो तीन लाइंस में ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा बच्चे. ये रिजल्ट्स बहुत कॉमनली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने हैं, तो अगर मैंने बच्चे डायरेक्टली आप प्रैक्टिस करके अप्लाई करेंगे हमारा काम थोड़ा जल्दी होगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी बच्चे. बट इनिशियल स्टेजेस में आप ये डिराइव करके देख सकते हो बच्चे. जी महिप, कुछ या भी डिराइव करके दिखाऊं बच्चे या कर लोगे? चलो नहीं सर, आई विल डिराइव. आकाश शो इशू तो नहीं बच्चे? नो सर. और यहाँ बच्चे आपने मेंशन करना है, हमने यहाँ पे यहाँ से टर्म दिए बच्चे, दिस इज लोअरिंग in vapor pressure. And number fourth bache, finally what we are doing, simply cross multiplying it, nothing else. So this denotes, ye bache hame denote karta hai relative lowering in vapor pressure. आइए बच्चों,
जी भाई, कंफ्यूजन अभी भी प्रोसेस कर रहे बच्चे कि कुछ रिलैक्स हुआ बच्चे? सब बेटर। चल दैट्स ग्रेट। अरे बच्चे तो अब हमें और अब जो लाइक अब सुनिए मेरी बात, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे, स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड। एक्सप्रेशन नंबर वन को आप वर्ड्स में स्टेट कर सकते फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड। सो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर सॉल्वेंट एंड प्योर सेट। क्योंकि सॉल्यूट तो होगा ही नहीं बच्चे, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अमाउंट में है लेकिन प्रेशर में नहीं है बच्चे, राइट बच्चे? गुरस्मी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आया था बच्चे, क्लियर है चीज़? सॉल्यूट अमाउंट में लेकिन बच्चे प्रेशर में नहीं है, ठीक है? एक्सप्रेशन नंबर टू में बच्चे कोई टर्म नहीं है बेटा। नंबर थ्री बच्चे, दिस इज सजेस्टेड बाय राउल्ट्स, तो इट इज एज इट यूज इन स्टेटमेंट, लोरिंगन वेपर प्रेशर इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। आप ये सेट कर सकते हो। Fourth, again, this is term suggested by Raoult's. Relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solid. तो आप इसे इन तीन में से किसी भी statement में represent कर सकते हो। It will be a perfect score which will be given to you. अब इन expression को बच्चे अपनी range में लाने के लिए numerically try करने के लिए we have to do handful practice about numericals. ठीक है? तो अब हम वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग बच्चे स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टाइम से। तो आज आपकी क्लास का बच्चे डिस्कशन मैं यहीं पर इसी चीज के साथ बंद कर रहा हूं। मैं बच्चे इन टर्म्स को आज अपनी शीट में यूज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो दैट वे यू गेट प्रैक्टिस अबाउट दीज एक्सप्रेशन। मैं यूज करूंगा बच्चे राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन जिसमें कॉम्पोनेंट्स हमारे बच्चे वोलेटाइल हैं। तो ये पूरा काम बच्चे मैं शीट पे आज यूज करूंगा और जो आपको आज मैं शीट दूंगा इस शीट का गूगल लिंक आएगा, राइट? और ध्यान रखना आपने अपना काम करके बच्चे वो शीट उसी लिंक पे अपलोड करनी है। माने इन केस देयर इज सम प्रॉब्लम जस्ट टॉक टू मी बच्चे, ठीक है? अगर लिंक में इशू आए बच्चे, राइट बच्चे? तो इससे बच्चे मैं यहीं पर ही खत्म करूँ बच्चे, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, टेक केयर बच्चे। अच्छा मही बच्चे आप जो